नमस्कार दोस्तों, तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म का ये टाइटल सुन करके आप बिल्कुल भी इस फिल्म को जज मत करिएगा, क्योंकि इसका कम्प्लीटली रिवर्स इमोशन इसमें प्रोजेक्ट किया गया है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फैमिली ड्रामा है। फ्रेंड्स, इस फिल्म के बारे में कुछ खास बातें आपको बता देता हूँ। 8 मार्च 2023 को रिलीज हुई ये मूवी थिएटर्स में होली के दिन। 200 करोड़ की लागत की ये मूवी पहले ही दिन 15 करोड़ से ऊपर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी है, और सेकेंड डे का कलेक्शन अगर बात करूं तो अप्रॉक्स 10 करोड़ रुपीस का ये कलेक्शन सेकेंड डे कर चुकी है। मतलब दो दिनों में लगभग 25 करोड़ की आमदनी इस मूवी ने की है। इस फिल्म की टाइम की अगर बात करूं, 164 मिनट्स, यानी कि लगभग 2 घंटा 44 मिनट की ये मूवी अगर आप देखने के लिए जा रहे हैं तो आप भरपूर समय लेकर के जाइएगा, क्योंकि लगभग 3 घंटा आपको इस मूवी में लगना है। मूवी के डायरेक्टर की बात करूं, लव रंजन, जिनकी बहुत सारी एंटरटेनिंग मूवीज ऑलरेडी आपने देखी होगी, जैसे कि प्यार का पंचनामा, प्यार का पंचनामा 2, आकाशवाणी, सोनू के टीटू की स्वीटी, दे दे प्यार दे, इस तरह की कई सारी मूवीज जो हैं लव रंजन के द्वारा हमें एंटरटेनमेंट के लिए मिल चुकी हैं। और ये मूवी रिटन, डायरेक्टेड एंड स्टोरी बाय लव रंजन। इसमें स्पेशल अपीयरेंस के रूप में आपको कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा भी देखने को मिलेंगे, जो कि एक बहुत ही छोटे से कैमियो के लिए आते हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत दोनों का परफॉर्मेंस इसमें रहता है। स्टारकास्ट की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो श्रद्धा कपूर, रणबीर कपूर, बोनी कपूर, डिंपल कपाड़िया, मोनिका चौधरी, हसलीन कौर और राजेश जैस जैसे बेहतरीन कलाकार इसमें परफॉर्मेंस आपको इनकी देखने को मिलेगी। और सबसे स्पेशल जो है, जो मुझे फील हुआ, द लेटेस्ट कॉमेडी किंग ऑफ इंडिया, जो कि एक सपोर्टिंग रोल के रूप में आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, अनुभव सिंह बस्सी, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत किरदार यहां पर निभा रहे हैं। टाइमिंग बहुत ही परफेक्ट रहती है इनकी कॉमेडी की, तो आप एंजॉय करने वाले हैं इनकी परफॉर्मेंस। इसमें म्यूजिक है प्रीतम का, और प्रोड्यूस की गई है लव फिल्म्स के द्वारा, और डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म्स। और अगर OTT रिलीज की बात करूं, तो बहुत ही जल्द आफ्टर थिएटर्स इट इज गोइंग टू बी रिलीज्ड ऑन नेटफ्लिक्स। स्टोरी लाइन की बात करूं फ्रेंड्स, हमारे जो हीरो हैं, जो लीड रोल है रणबीर कपूर, वो कोई लव गुरु नहीं बट कि एक ब्रेकअप गुरु है, जो कि एक बहुत ही संपन्न परिवार से हैं, बिजनेस फैमिली से हैं, बट द लीड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर, सी इज फ्रॉम एन इंटेलेक्चुअल फैमिली, जिन्हें अपने कैरियर और जॉब जिनकी प्रायोरिटी है। सो दीज टू फैमिलीज हैव टू बी टूगेदर, दीज टू कैरेक्टर्स दे हैव टू कम टूगेदर। ट्विस्ट तब आता है जब उन्हें अपना ब्रेकअप खुद करने का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लिया होता अनजाने में, बट ही हैव टू एग्जीक्यूट इट, और जब वो एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद की जो कहानी है वो बहुत ही खूबसूरत है। मैं ये कहानी बिल्कुल भी आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, बिकॉज इट्स अ वर्थ वॉचिंग मूवी इन बिग स्क्रीन। तभी आपको इस फिल्म का ज़्यादा मज़ा आने वाला है जब आप इसे एक बड़े पर्दे पर देखेंगे और एंजॉय करेंगे। फ्रेंड्स, फर्स्ट हाफ में वही आपको आम रोमांस आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली श्रद्धा कपूर, द स्टनिंग श्रद्धा कपूर और द हैंडसम जो है रणबीर कपूर, दोनों ही बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इस मूवी में, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर शेयरिंग द स्क्रीन, तो ये केमिस्ट्री देखने लायक केमिस्ट्री होगी। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा कि इस मूवी में जितने भी सारे कैरेक्टर और कास्ट इंक्लूड किए गए हैं, एवरीबडी हैव अ प्रोमिनेंट रोल, प्रोमिनेंट डायलॉग, एंड दे ऑल एड अ वैल्यू टू द स्टोरी, स्क्रिप्ट एंड द पर्टिकुलर प्लॉट। तो कहीं पर भी किसी को अंडरप्ले नहीं किया गया, एवरीबडी हैव बीन गिवन वेरी इक्वल इम्पॉर्टेंस। और लव रंजन की फिल्मों का सबसे खास जो पार्ट मुझे समझ में आता है, दैट इज़ द डायलॉग। द डायलॉग्स ऑफ द मूवी आर रियली वेरी एडोरेबल। बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जो कि ऑलरेडी सुपरहिट हो चुके हैं, और इस मूवी में ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स हैं, हर एक कैरेक्टर के इस तरीके के डायलॉग्स हैं जिसे आप याद रख पाएंगे, जो आप इंजॉय कर सकते हैं। रणबीर कपूर की जब लास्ट मूवी हमने देखी ब्रह्मास्त्र, सो वी हैव सीन हिम समथिंग एल्स, बट इन दिस मूवी बहुत ही अलग वो दिखते हैं, बहुत ही लुक्स बहुत ही अलग हैं, एंड बहुत ही आपको प्यारे एडोरेबल आपको दिखेंगे, बिकॉज नाउ ही इज़ अ फादर एंड इट फील्स दैट ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फादर, बिकॉज उन्होंने एक बहुत ही वाइज डिसीजन, रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लिया है इस मूवी को करने के लिए, और अपना पूरा दिलो जान इस मूवी में डाला है, जो आप देखेंगे तो आपको फील करेंगे। द इंटेंस परफॉर्मेंसेस बाय दिस डुओ, श्रद्धा कपूर एंड रणबीर कपूर, दे हैव गिवन देयर, फील होता भाई उनके खून में एक्टिंग है, सो दे हैव डिलीवर्ड अ वेरी वेरी पावरफुल परफॉर्मेंस, सो यू आर रियली गोइंग टू एंजॉय इट। इस फिल्म में जो 4 गाने हैं वो रियली बहुत ही कमाल के हैं,
म्यूजिक भी बहुत कमाल है, उस गानों का मतलब है, उस गानों का सिचुएशनल बेस्ड सॉन्ग्स हैं, उस गानों को आप लगातार लूप पर रख करके सुन सकते हैं और उन गानों का कुछ मीनिंग निकलता है। सो यू आर रियली गोइंग टू एंजॉय द सॉन्ग्स। ये फिल्म फैमिली के साथ देखी जा सकती है या नहीं? बिल्कुल फैमिली के साथ देखी जा सकती है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे इंटेंस रोमांटिक सीन्स हैं जो कि उस समय उस स्टोरी को सपोर्ट करते हैं, बट विद अ फैमिली थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है देखने के लिए, बट यू कैन स्टिल वॉच इट बिकॉज दैट इज इन द फ्लो एंड दैट इज नेचुरल, दैट इज नॉट समथिंग विच हैज बीन एडेड टू मेक द मूवी रोमांटिक। वो स्क्रिप्ट के साथ चलते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रोजेक्ट किए गए हैं। सो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं, मेरे तरफ से इट्स अ बिग थम्स अप टू द मूवी। मुझे रिक्लाइनर की टिकट दो बॉस, मैं फिर से देखने के लिए जा सकता हूँ। सो आई हैव एंजॉयड इट थरली। दिस वॉज ऑल ऑन माई पार्ट रिगार्डिंग तू झूठी मैं मक्कार। आपको ये रिव्यू कैसा लगा? अगर आपको ये रिव्यू पसंद आए तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर लो यार। और अगर आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा इसमें मुझे बताना चाहिए था तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। आई एम देयर टू आंसर ऑल योर कमेंट्स। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर से आपसे नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए नमस्कार, जय जगन्नाथ।